हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 10th में चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी बाकी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो हमारी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगर बात करें या नाम से ही अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस करना, उसको हटाना। ठीक है, आप चाहे क्लास में हैं या आपके गेम में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, चाहे फुटबॉल है आपका या क्रिकेट है, ठीक है, कोई और बेहतर खेलता है तो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ना, कि उसकी जगह पे ये आ गया है, ये खेलेगा अब। ठीक है, तो क्या होता है, उसको डिस्प्लेस करना, उसकी जगह से उसने हटा दिया। ठीक है, ऐसी अगर आप क्लास की बात करें, क्लास में कोई ऐसे मॉनिटर है ना, अगर वो मॉनिटर अच्छा या क्या हुआ, उसे कोई बेटर ऑप्शन, अच्छा विकल्प हमें मिल गया, तो टीचर क्या करती है, उसको हटा के उसको मॉनिटर बना देते हैं कि नहीं भाई ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ है या ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है। मतलब एक तरह से ओवरऑल देखा जाए कि उन दो के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो वो दूसरे वाले को, वीक वाले को हटा देता है। तो ऐसा ही आपका कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। अब अगर हम इसी चीज़ को रिएक्शंस में लगाएं, ठीक है, रिएक्शंस में क्या हो रहा था, आपके रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे, तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या होगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्या करेगा, वीक एलिमेंट की जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको क्या कर देगा, वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको हटा देगा, जब तक आप में कुछ बात नहीं होगी, आप उससे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मींस एक तरह से रिएक्शंस में देखे तो उससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे, तो आप अगले को नहीं हटा सकते। होगा भाई क्यों हटाओ, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो नहीं हटेगा वो, तो ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग वाला ही एक वीक वाले को उसकी जगह से हटाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के तहत एक एक्टिविटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या लिया, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका कलर होता है आपका ब्लू। आपने क्या किया, इसमें आपने आयरन नेल एक थ्रेड से टाई करके आयरन नेल्स को इसमें डाल दिया, ठीक है, आपने क्या किया, आयरन नेल्स को इसमें डाला, ये क्या है आपकी आयरन नेल्स। तो आप क्या देखेंगे कुछ देर बाद जब इसमें रिएक्शन हुई, तो थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा कि जो आयरन नेल्स थी आपकी, जो आयरन नेल्स थी उस पर आपका धीरे धीरे ये क्या होने लगी, इन पे एक रेड कलर की क्यूप्रिक रेड, इस पर आपको ना एक कोटिंग दिखने लगी, ठीक है, ये धीरे धीरे आयरन था, इस पे क्या आने लगी, एक क्यूप्रिक रेड कलर की कोटिंग आने लग गई, ठीक है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, और जो ये सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर था, ये भी धीरे धीरे क्या हुआ, फेड होने लगा, चेंज होने लग गया, तो अब इसकी वजह क्या है, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो इसका रीजन है आपकी यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हुआ क्या, जो आयरन है आपका Fe, अब वो क्या है, वो आपके कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, ये आयरन इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। क्या होगा अगर रिएक्शन को समझें, तो रिएक्शन होगी इसकी, तो रिएक्शन इसकी होगी, आपने क्या लिया, Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा, ये आयरन इस कॉपर को यहाँ से हटा के खुद इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि ये बनाएगा Fe+SO4 कॉपर, ठीक है, तो हटा दिया उसने सल्फेट के साथ खुदा के वो बैठ गया। तो हुआ क्या, अब जो रेड कलर था वो इस कॉपर की वजह से था, इसकी वजह से वो ब्रिक रेड कलर उसके ऊपर आया, और इस पहले तो कॉपर सल्फेट था जो कि क्या था, ब्लू था, लेकिन अब फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया, तो आपका जो ब्लू कलर है वो भी चेंज हो गया। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट।
अब बात आती है भाई कि अब इसने कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया, पर इसमें क्या करें, आप आयरन की जगह से आपने जिंक ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो अब क्या हुआ, जिंक भी बोला भाई मेरे मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कॉपर से, या अगर बात करें कि सल्फेट क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ बैठा था, दोनों दोस्त थे, लेकिन क्या हुआ भाई, सल्फेट का कोई और अच्छा दोस्त आ गया, वो कौन था, आपका जिंक था, तो जिंक ने बोला भाई सल्फेट और जिंक कॉपर ये इससे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, इनकी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, तो जिंक आया और कॉपर यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो क्या बना, फिर से क्या बन गया, जिंक सल्फेट आपका बना और कॉपर आ गया, ये हुई बात। अब अगर देखें भाई, जिंक सल्फेट बन गया आपका, ठीक है, जिंक सल्फेट बन गया, अब क्या हुआ, सोचा एक और कोई बंदा आया, ठीक है, से आयरन था वो, तो उसने क्या किया, आयरन आया, हाँ आया, तो अब क्या लगा, आयरन क्या डिस्प्लेस करेगा जिंक को या नहीं करेगा, तो जिंक ने बोला या सल्फेट कि भाई हमारी बॉन्डिंग तो पहले से ही इतनी स्ट्रांग है, आप तो हमसे वीक हैं, तो आप हमें डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो जिंक है आपका आयरन से क्या है, एक ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्टिव एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, तो ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं हुई। तो इन रिएक्शन से आप क्या कह सकते हैं कि भाई जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा स्ट्रांग वाला है, वो अपने से लेस वाले को डिस्प्लेस करेगा। अब बात आती है कि भाई आप बताएंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपकी कौन स्ट्रांग है या कौन वीक है, तो उसके लिए आपकी होती है एक केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी हेल्प से आप बताते हैं कि आपका स्ट्रांग कौन सा है और वीक कौन सा है। तो आपका ऑर्डर जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का, वो देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज को। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, तो इसमें आपकी शुरुआत होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपकी क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। रिएक्टिविटी नीचे जैसे जाते जाएंगे तो आपकी डिक्रीज होगी। तो यहां जो पोटेशियम है वो आपका क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ यहाँ तक देखें तो कॉपर आपका क्या है, इधर वालों में हाइड्रोजन से वीक। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे बात करें, हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, अब आयरन कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो मतलब आयरन इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जिंक और आयरन की बात करें तो जिंक कॉपर आयरन से ऊपर है, तो जिंक सल्फेट से आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक वाला ये वाला आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आयरन से, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये थी आपकी थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसा कि अब आप इसमें देख पा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन क्या है, डबल, दो बार। तो यहाँ क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि आपने क्या लिया, आपने सोडियम सल्फेट लिया, ठीक है, आपने सोडियम सल्फेट को लिया, ठीक है, उसमें आपने डाला बेरियम क्लोराइड, तो आपने उसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब रिएक्शन कराई, तो आपने क्या देखा, आपके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए, ठीक है, से आपने एक बीकर के अंदर जब इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो आपने देखा कि नीचे आपके कुछ पार्टिकल्स कुछ फॉर्म हुए, इनसोल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, व्हाइट कलर था इसका, इसका कलर क्या था, व्हाइट कलर, ये आपके फॉर्म हुए। तो पहले तो सॉल्यूशन क्या था आपका, पहले आपके पास सॉल्यूशन था, उसमें कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया गया, तो क्या देखा आपने कि नीचे कुछ व्हाइट कलर के इनसोल्युबल सब्सटेंस
सेपरेट आउट होने लगे, ठीक है, मतलब उसके क्या बने, उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए। तो प्रेसिपिटेट क्या हुए, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका बनता है सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपके क्या बने, प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट आपके किसके थे, ये प्रेसिपिटेट आपके थे बेरियम सल्फेट के और NaCl। तो ये आपकी रिएक्शन हुई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम बैलेंस इसको करें तो ये आ जाएगा आपका 2, क्योंकि सोडियम 2 है क्लोरीन। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो हुआ क्या, जो सोडियम आपका था उसने कहाँ, किसके साथ, ये क्या हुए, क्लोरीन, आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज। ये सोडियम इधर आ गया और आपका जो बेरियम था वो इधर आ गया, ठीक है। तो क्या बना, बेरियम ने तो सल्फेट के साथ बना लिया और सोडियम ने आपका क्लोराइड के साथ उसकी बॉन्डिंग हो गई। तो एक तरह से जस्ट क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए हैं इसके आयंस। यहां देखें इसमें क्या है, आपका बेरियम 2 पॉजिटिव और ये है आपका सल्फेट 2 नेगेटिव। यहां अगर इसकी बात करें, ये है आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ हुआ क्या, ये जो आयंस थे आपस में, यहाँ का Na पॉजिटिव और यहाँ का Cl नेगेटिव मिक्स हो गए, तो एक तरह से जस्ट एक्सचेंज, उन्होंने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो दोनों के हुए हैं, ऐसा तो नहीं है, पिछले वाले में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर रहा था और उसकी जगह पे आ रहा था, लेकिन यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, दोनों के आयंस एक दूसरे से क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। और ऐसे इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि आपका क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बने वो किसके थे, आपके बेरियम सल्फेट के। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपके यहाँ पीपीटीज आपके फॉर्म हुए। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर और एग्जांपल की बात करें तो आप, हमने स्टार्टिंग में भी इस चैप्टर के एक रिएक्शन की थी, तो वो भी आपकी किस में आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्या थी रिएक्शन, तो रिएक्शन थी आपकी कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराया गया तो क्या हुआ था, एक येलो कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। तो यहां भी क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या होगा, जो लेड है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ लेड की जगह आ जाएगा। तो आपका क्या फॉर्म होगा, आपका फॉर्म होगा लेड आयोडाइड TbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शन। अब जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आपके फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके PbI2 के, ये येलो प्रेसिपिटेट्स। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से। और होता क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आपके जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में दोनों रिएक्शंस क्लियर हुई होंगी कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं। तो बाकी की रिएक्शंस को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।